नमस्कार मित्रों, एस्ट्रो इनसाइट्स विद रिचा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर रिचा शुक्ला। इधर कुछ पारिवारिक व्यस्तताओं की वजह से मैं काफी समय से अपने कुछ वीडियोस जो चाहती थी कि बनाऊं और अपलोड करूं नहीं कर पाई, उसके लिए मैं आप सभी से क्षमा चाहती हूं। आज मैंने सोचा कि अपनी लग्न की जो सीरीज मैं कर रही थी उस पर आगे बढ़ने से पहले बहुत समय से मेरे दिमाग में एक ख्याल आ रहा था कि क्यों ना मैं आपसे इस विषय में बात करूं। देखिए, हम सभी जानते हैं कि हम सामाजिक प्राणी हैं और इसलिए सामाजिक मान्यताओं पर चलते हैं। ये बिल्कुल ठीक बात है कि समाज हमारे लिए कुछ पैरामीटर्स, कुछ नियम, कुछ कायदे कानून, कुछ इंस्टीट्यूशंस बनाता है जिस पर कि हम चले, ऐसा समाज की उम्मीद होती है। लेकिन ग्रहों ने या प्रकृति ने ऐसी कोई भी व्यवस्था नहीं दी है और ज्योतिष जो है वो आपके लिए एक बहुत अच्छा टूल साबित हो सकता है ये बताने के लिए कि क्या आपके लिए जीवन में कोई चीज बहुत अच्छी होने वाली है या बिल्कुल भी अच्छी होने वाली नहीं है। जैसे कि समाज की व्यवस्थाएं हैं कि जब आप पहले जब पैदा होते हैं तो आप एक परिवार में जन्म लेते हैं, पढ़ते लिखते हैं, नौकरी करते हैं, विवाह करते हैं, बच्चे पैदा करते हैं, उसके बाद लाइफ में कहा जाता है बच्चा सेटल हो गया। लेकिन क्या आपको लगता है कि ऐसा हर व्यक्ति के साथ हो, ऐसा ही ग्रह भी चाहते हैं या हर व्यक्ति का कर्म एक जैसा ही है? क्या जरूरी है कि हर व्यक्ति विवाह के लिए बना हो या हर का विवाह अच्छा चले या हर के बच्चे हो और फिर उनके बच्चे अच्छे हों तभी हम सेटल्ड होंगे? जी नहीं, हम सबके कर्म अलग हैं। किसी के लिए विवाह बहुत अच्छा कर्म हो सकता है और किसी के लिए ये जीवन भर की एक त्रासदी हो सकती है। जरूरी यह है कि हम थोड़े से ताकतवर बने और सामाजिक मान्यताओं को थोड़ा सा तोड़ने के लिए या फिर एक्सेप्ट करने के लिए पूरी तरह से तैयार हूं। मेरे पास इतने लोग आते हैं, आज तक किसी ने भी मुझसे नहीं पूछा कि मेरा विवाह करना उचित है या नहीं, या मेरे लिए विवाह अच्छा है या नहीं। हर व्यक्ति ये पूछता है मेरा विवाह कब होगा या मेरे बच्चों का विवाह कब होगा। और यहीं से शुरू हो जाती है आपकी फियर साइकोसिस, जिसके साथ कहना तो नहीं चाहती लेकिन फिर भी ज्योतिषी खेल सकते हैं, क्योंकि अगर उनको दिख भी रहा है कि आपके लिए विवाह अच्छा नहीं है लेकिन आपने तो ये पूछा ही नहीं कि मेरे लिए विवाह अच्छा है या नहीं, आपने तो ये पूछा मेरा विवाह कब होगा। अब वो आपके साथ कि आपका विवाह देर से होगा, आपका विवाह होगा तो अच्छा नहीं चलेगा, आपके दो विवाह के योग हैं, आपको ये उपाय करना है, आपको ये शांति करानी है, ऐसा होता है ना आप सभी के साथ। और यदि आप ये प्रश्न करें कि आई एम ओके विद इट, मेरे लिए विवाह यदि अच्छा है तो मैं करूंगा और यदि नहीं अच्छा है तो मैं नहीं करूंगा, एक तो ये रास्ता है जो कि सर्वश्रेष्ठ। दूसरा रास्ता है कि ठीक है, मेरे लिए विवाह बहुत अच्छा नहीं लेकिन फिर भी मैं इस संस्था को ट्राई करना चाहता हूं, आई एम रेडी टू एक्सप्लोर इट। देन यू हैव टू बी एक्सेप्टिंग ऑफ द फैक्ट कि ये बहुत अच्छा तो नहीं होने वाला है लेकिन फिर भी मैं राजी हूं और मैं अपना 100% दूंगा, देखता हूं कहां तक मेरे कर्म मुझको ले जाते हैं। और यदि आप इस विचार के साथ मैरिज में आगे बढ़ते हैं तो कई बार काफी अच्छा चल जाता है, क्योंकि आप बहुत एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि यदि आपको एक अच्छी इंसाइट कोई ज्योतिषी देता है कि आप के लिए ये संस्था, ये विवाह, ये पढ़ाई, ये नौकरी अच्छी नहीं है तो बी रेडी फॉर द प्लान बी। जब आप हर इंस्टीट्यूशन को, विवाह, बच्चे, नौकरी, पढ़ाई को एक चैलेंज,
एक परीक्षा की तरह लेने लगते हैं, तब मुश्किल होती है। क्या जरूरी है कि यदि मेरी शादी हुई है तो मेरे बच्चे हों? क्यों आवश्यक है? क्या बिना बच्चों के या एक बच्चा एडॉप्ट करके जीवन अच्छा नहीं हो सकता? लेकिन नहीं, हमारे पास एक चैलेंज होता है, समाज ने खड़ा किया है, एग्जाम जैसा हो गया है कि इसमें तो आपको पास ही होना है, शादी हुई है तो बच्चे होने चाहिए। ग्रह ऐसा नहीं कहते, प्रकृति ऐसा नहीं कहती। आप सालों साल ट्राई करते हैं, आप आईवीएफ में पैसे खर्च करते हैं, आप लाखों करोड़ों रुपया खर्च करते हैं, पर यह सुनने को तैयार नहीं है कि मेरी किस्मत में बच्चा नहीं लिखा। इट इज वेरी नाइस, एक अच्छा कर्म होगा यदि मैं एक बच्चा अनाथ गोद ले लूं, अपने घर को भी आबाद करूं और उस बच्चे की जिंदगी भी आबाद करूं। तो ज्योतिष को एक नई नजर से देखिए, एक क्रांतिकारी टूल की तरह देखिए कि ये आपके जीवन की बहुत सारी कठिनाइयों को सिर्फ आपको इंसाइट देकर ही दूर कर सकता है। और आपके जीवन का ये जो चक्र है, ये जो यात्रा है, बहुत ही खूबसूरत तरीके से पूरी की जा सकती है। आशा करती हूं कि आप सभी को इस विषय पर जानकारी अच्छी लगी होगी और मैं चाहूंगी कि आप कमेंट सेक्शन में अपने विचार अवश्य लिखें। जल्दी ही आपसे दोबारा मिलूंगी। धन्यवाद।